वेलकम अगेन। पिछली वाली क्लास में हमने बेबी हालदार के द्वारा लिखे गए पत्र की बात की थी और उसके जवाब में तातुस के जो मित्र थे उन्होंने बेबी हालदार को फिर से प्रेरित करने के लिए पत्र लिखा, उसकी बात हमने की थी। और उनसे प्रेरित होकर बेबी हालदार आगे क्या लिखती हैं, उनको एक आशापूर्णा देवी की संज्ञा तातुस के जो मित्र थे वो दे देते हैं। आशापूर्णा देवी ने भी इसी प्रकार संघर्ष करके और अपने जीवन में लिखना आरंभ किया था, तो इनको दूसरी आशापूर्णा देवी यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद बेबी हालदार उनके प्रति किस तरह कृतज्ञता व्यक्त करती है उसी को हम इसमें पढ़ेंगे। जेठू इसी तरह मेरा उत्साह बढ़ाते थे। जेठू नाम से उन्हें उसने संबोधित किया बेबी हालदार ने, और जेठू का मतलब होता है पिता का बड़ा भाई यानी ताऊ जो है। तो जेठू इसी तरह मेरा उत्साह बढ़ाते थे। अकेले जेठू ही ऐसा करते हों यह बात नहीं थी, और भी कई लोग थे। दिल्ली में जेठू और तातुष के एक बंधु रमेश बाबू थे। मैं जो जो लिखती वो सब तातुष उन्हें फ़ोन पर सुनाते। एक दिन फ़ोन पर बात करने के बाद वह मुझसे बोले, देखो तुमने यह जो लिखा है वो मेरे बंधु को बहुत बहुत अच्छा लगा, एनी फ्रैंक की डायरी की तरह। मैंने पूछा ये एनी फ्रैंक कौन है। तातुस ने तब मुझे उसके बारे में बताया और एक पत्रिका निकालकर उसमें से उसकी डायरी के कुछ अंश पढ़कर सुनाए। सुनकर उस लड़की से मुझे बहुत माया हुई, उसके प्रति बड़ा प्रेम भाव उमड़ पड़ा। शर्मिला दी भी मेरा उत्साह बढ़ाती थी, वह मेरी ही वयस की थी और जेठी की बंधु थी। वह कोलकाता ही में कहीं पढ़ाती थी। उनकी चिट्ठियों से मालूम पड़ता कि वह मुझसे कितना स्नेह करती थी। वैसा स्नेह मुझे और किसी से नहीं मिला। मैं सोचती कि सचमुच इतने दिनों बाद मुझे एक सहेली मिली, मैंने उन्हें तब तक देखा नहीं था। उनकी चिट्ठियां पढ़कर बार बार इच्छा होती कि उनके साथ बातें करूं, हंसूं, खेलूं, यह करूं, वह करूं, उनसे पूछूं, शर्मिला दी हम एक दूसरे से कब मिल सकेंगे, कभी मिल भी सकेंगे या नहीं, मिलने पर मैं तुम्हें धन्यवाद कैसे दूंगी। एक दिन घर में एक अलमारी की चीज़ें पोंछते समय मैंने वहां एक फ़ोटो एल्बम देखा। मैं उसे खोलकर तस्वीरें देखने लगी, उसमें अर्जुन दा के बंधुओं की तस्वीरें थी। एक तस्वीर में जेठू थे, उनकी एक तरफ शर्मिला दी और दूसरी तरफ अर्जुन दा। एक और तस्वीर में जेठू के पास शर्मिला दी और सुखदीप दा बैठे थे। जेठू और शर्मिला दी को तब तक केवल उन्हीं तस्वीरों में देखा था, मिली कभी नहीं थी। उन्हें अपनी आंखों से देखने की बहुत इच्छा होती। शर्मिला दी जब मुझे चिट्ठी भेजती तो साथ में मेरे जवाब देने के लिए तरह तरह की सुंदर आकृतियों में सादे कागज काट कर भी रख देती। शर्मिला दी लेखिका थी, उनकी एक किताब छप चुकी थी और पत्रिकाओं में उनकी कहानियाँ छपती रहती थी। वह मुझे प्यार करती थी और मेरे बच्चों के हाल चाल पूछती रहती थी। कभी कभी मैं सोचती कि कहाँ उन जैसी पढ़ी लिखी लड़की और कहाँ मैं। चिट्ठियों में हम जो बातें करते हैं वह शायद मिलने पर न हो। फिर सोचती कि मिलने पर शायद हम दोनों और भी अधिक बातें करें। मेरा उत्साह बढ़ाने वालों में जेठू के एक बंगाली बंधु आनंद भी थे। जेठू के घर पर मेरी किताब का पहला खंड पढ़कर उन्होंने मुझे लिखा, आपकी रचना मुझे अच्छी लगी। स्वयं के जीवन की विभिन्न स्मरणीय घटनाओं को सहज भाव से लेखन के माध्यम से सामने रखना बहुतों के निकट शायद संभव नहीं। अपनी इस सुंदर कोशिश को कभी बंद न करें। इस प्रकार समय समय पर बेबी हालदार को प्रेरित करने के लिए उसके साथ लोग आते रहे। अभ्यास और कोशिश से संभव है कि आप हमें कभी कुछ असाधारण दे सकें। नारी अत्याचार, असुविधा, दुर्दशा और उनके आर्थिक कष्ट के बारे में भी आप सोचें और लिखने की चेष्टा करें। मेरी शुभकामना आपके साथ है। इस चिट्ठी के साथ आनंद बाबू ने मुझे अपना एक लेख भी भेजा था। उस लेख को पढ़कर मुझे अच्छा लगा था, वो पूरा का पूरा मेरी समझ में आ गया हो ऐसी बात नहीं थी। मेरे कहने पर
ता तो उसने वो मुझे समझाया था, फिर भी कुछ दिमाग में घुसा और कुछ नहीं घुसा। इतने सारे लोगों के उत्साहित करने, साहस दिलाने के बाद भी मैं सोचती रहती कि कभी कुछ ठीक से लिख भी पाऊंगी या नहीं। इसी बीच एक दिन मेरे बाबा सवेरे सवेरे आ पहुँचे। मैं उस समय किचन में थी, खिड़की से मैंने एक व्यक्ति को साइकिल से उतरते देखा। मैं ठीक से पहचान नहीं पाई, उसने घंटी बजाई तो काफ़ी देर बाद मैं बाहर निकली। मुझे देखकर बाबा ने पूछा, कैसी है बेटा? मैं बोली, बाबू आपके शरीर का यह हाल कैसे हो गया? बाबा बोले, कहाँ, कुछ भी तो नहीं हुआ, बच्चे कैसे हैं? मैंने कहा, ठीक हैं, सब ठीक हैं, स्कूल गए हैं। मैं तातुश के पास दौड़ी गई और बताया कि मेरे बाबा आए हैं। तातुश बोले, उन्हें घर में बिठाओ, अपने बाबा के लिए कुछ खाना वाना तैयार करो। बाबा को मैं अपने कमरे में ले गई और पूछा, चाय बनाऊं? वह बोले, नहीं, रहने दो, इतनी गर्मी में चाय? मैंने जल्दी से एक गिलास शरबत बनाकर उन्हें दिया। गिलास हाथ में लिए वह बोले, तू भी थोड़ा ले बेटा। मैंने कहा, नहीं बाबू, मैंने अभी अभी चाय पी है। माँ कैसी है? वह बोले, ठीक है, तुम्हारी बहुत याद करती रहती है। मैंने सोचा, करेगी क्यों नहीं, 2 वर्ष जो हुए जा रहे हैं और अभी तक दूरी के कारण मिलना जुलना नहीं हो सका। अभी 2-1 दिन के लिए वहाँ चली जाऊँ तो शायद वहीं झगड़े फिर शुरू हो जाएं। मैं अब और वही सब भोगने को तैयार नहीं। यहाँ आकर इतना तो मैं समझ गई हूँ कि आदमी हो या औरत, सभी अपने पेट की चिंता स्वयं करते हैं और एक ही जैसा खटते कमाते हैं। यही समझ पहले आ गई होती तो उसी हिसाब से मैं अपनी व्यवस्था कर लेती और तब शायद मुझे उतना कष्ट नहीं भोगना पड़ता। बाबा के साथ इधर उधर की काफ़ी बातें करते करते मैंने पूछा, कोलकाता की क्या खबर है, मेरा भाई कैसा है, माँ कैसी है? बाबा बोले, माँ तेरी माँ, तूने कुछ सुना नहीं लगता है? क्यों? बाबा मेरे मुंह की ओर थोड़ी देर देखते रहे, वो शायद सोच रहे थे कि बताने से कहीं ये रोने धोने न लग पड़े, इसे सच सच बताना ठीक होगा या नहीं, शायद बता ही देना चाहिए क्योंकि यह तो अभी भी यही सोच रही है कि इसकी माँ जीवित है, ऐसे में न बताना तो भूल होगी। बाबा शायद यही सब सोच रहे थे। उन्हें चुप देख मैंने बाबू कहकर उन्हें बुलाया तो वह चौंक गए। मैंने देखा उनकी आंखें भर आई है, तब मुझे लगा कि मेरी माँ शायद नहीं रही। मेरे मुँह से निकल पड़ा, क्या हुआ बाबू, माँ की तबीयत तो ठीक है? बाबा रुद्ध गले से बोले, तेरी माँ तो 6-7 मास हुए दुनिया छोड़कर चली गई, तेरी माँ नहीं है। क्यों, तेरा दादा तो वहाँ गया था, उसने तुझे नहीं बताया? मैं बोली, नहीं तो, मुझे किसी ने नहीं बताया। मैं थोड़ी देर बाबा के सामने सिसक सिसक कर रोती रही और मैं कर भी क्या सकती थी। एक बार सुना था कि अस्पताल में भर्ती है, मुझे लगता है तभी उसकी मृत्यु हो गई थी, उसके बाद उसकी कोई खबर नहीं मिली। सभी को सारी जानकारी रहती है लेकिन मुझे कोई कुछ नहीं बताता। मेरे दादा, बऊदी, भाई कोई बहुत दूर तो रहते नहीं थे, रिक्शे में 10 रुपया भाड़ा लगता, फिर भी कोई एक बार भी मुझे बताने नहीं आया। बीच में मैं कई बार वहाँ गई थी भी लेकिन तब भी किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं हर समय सोचती रहती थी कि जैसे भी हो एक बार माँ के पास ज़रूर जाऊँगी। इतने दिन यही सोचती आ रही थी और अब सुनने को मिला मेरी माँ हम लोगों को छोड़ चली गई। मुझे पता चला था कि माँ जब अस्पताल में भर्ती थी तब मेरे छोटे भाई ने बाबा के पास जाकर उनसे कहा था कि वह उन्हें माँ से मिलाने ही ले जाएगा। बाबा नहीं गए, वह क्यों जाते, उन्हें जाने की दरकार ही क्या थी, उन्हें किस चीज़ का अभाव था? बाबा का जाना उचित होता, मुझे लगता है वह जानते थे कि माँ नहीं बचेगी, फिर भी नहीं गए। तो इस प्रकार बेबी हालदार जो थी उसकी माँ से भी वह नहीं मिल पाई और उनसे बिना मिले ही उनकी माँ ने भी प्राण त्याग दिए। मेरे भाई को वैसे ही घूम फिर कर लौट आना पड़ा। मेरे ख्याल से बाबा ने भूल की,
अंतिम भेंट की तरह एक बार माँ को देख आ सकते थे, लेकिन नहीं गए। माँ का क्रिया कर्म मेरे भाई को अकेले ही करना पड़ा। दादा लोगों को भी काफ़ी बाद में पता चला और मुझे तो अभी अभी। बाबा ने पूछा, तेरा बड़ा लड़का कहाँ रहता है? मैंने बताया कि यहीं पास में है, तो वह बोले चलो थोड़ा देख आऊँ। मैं बाबा को लेकर वहाँ गई। बेल बजाते ही मेरा लड़का बाहर निकल आया और अरे दादू कहकर उन्हें प्रणाम किया और बोला, दादू मेरा बाबू कैसा है? बाबा बोले, तुम्हारा बाबू ठीक है, मैंने साथ चलने को कहा था पर वह नहीं आया। भाई मेरे लड़के को देखकर बाबा की आंखें भर आई थी। वो उससे बोले, तुम लोग और भी बड़े हो भाई, पहले कैसे परिवेश में थे तुम लोग, अब तुम सबको देखकर बहुत खुशी हुई। मुझसे बाबा ने कहा, तुझे अब कष्ट नहीं होगा बेटा, तेरा लड़का बड़ा हो रहा है, देखना एक दिन यही तुझे सुख देगा बेटा। अभी थोड़ा कष्ट उठा ले, बाद में इसके साथ सुख शांति से रहेगी। मेरे लड़के से बाबा बोले, दादू भाई ठीक से रहना, और इतना कहकर मेरे साथ लौट आए। बाबा हमारे यहाँ से चलने लगे तो तातुस ने उनसे कहा, आप बेबी की तरफ से निश्चिंत होकर जाएं। बाबा बोले, जब आप जैसे लोगों के पास है तो चिंता की कोई बात नहीं। चिंता करता लेकिन अब नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने देख लिया कि मेरी लड़कियाँ खूब अच्छी तरह है। तो माता पिता के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यही होती है कि उनके बच्चे चाहे कहीं भी रहें लेकिन सुख से रहें, आनंद से रहें। बाबा चले गए, उन्हें कहीं से पता चल गया था कि मैं कुछ लिख विख रही हूँ, सुनकर वो बहुत खुश हुए थे। जहाँ पहले वो मेरी कोई खोज खबर नहीं लेते थे, वहाँ अब वह जब तक फ़ोन पर मेरा हाल चाल पूछने लगे। वह बार बार यह भी जानना चाहते कि मेरा लिखना कहाँ तक आगे बढ़ा, खत्म हुआ कि नहीं। वह मुझे अपने यहाँ आने को भी कहते और साथ में यह भी कि यदि मैं रुकना न चाहूँ तो लौट आ सकती हूँ। मेरी जाने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि बेबी को अपने माता पिता के यहाँ भी पहले वह सुख प्राप्त नहीं हुआ जो शायद तातुस के यहाँ उन्हें प्राप्त हो रहा था। बाबा के जाने के बाद कई दिन मेरा मन बहुत खराब रहा। मैं पछताती कि मेरी माँ मर गई और मैं आंखों से उसे देख तक नहीं पाई। मुझे बाबा के गिरते स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता लगी रहती। इसके बाद बेबी हालदार के जीवन में आगे क्या मोड़ आता है, इसकी बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।